Hello everyone, I'm Shweta Kapoor from Shweta English Classes. Welcome back to my channel. हमने आज सीखना है simple present interrogative negative का rule. जैसे कि हमने अपनी last video में देखा था, हमने क्या सीखा था? Simple present interrogative sentence का rule, which was rule number 3. आज हम क्या सीखेंगे? Rule number 4. तो हमारा सिंपल प्रेजेंट कंप्लीट हो जाएगा आज हम जब रूल नंबर 4 सीख लेंगे. हम सीख चुके हैं क्या क्या? रूल नंबर 1 पॉजिटिव सेंटेंस, रूल नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंसेस और रूल नंबर 3 इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के. फाइन, तो आज हम सीखेंगे रूल नंबर 4 फॉर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए. सो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये श्योर कर लेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो, बेल आइकन प्रेस कर चुके हो, प्रीवियस वीडियोस जो हैं उनको शेयर कर चुके हो, ताकि हम कोई भी वीडियो को मिस ना करें, कोई भी लेसन को मिस ना करें. राइट, यस. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. हमने देखो, मैंने इसमें लिखा हुआ है जो रूल नंबर 3 था वो क्या था? डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. राइट, बट आज हम क्या करेंगे? इंटरोगेटिव नेगेटिव सिंपल प्रेजेंट इंटरोगेटिव नेगेटिव. इसका क्या मतलब है कि हम क्वेश्चन पूछेंगे नेगेटिव, जैसे कि क्या आप स्कूल नहीं जाते हो? क्या आप स्कूल जाते हो? ये तो हो गया इंटरोगेटिव. क्या आप स्कूल नहीं जाते हो? राइट, इसको हम सीखेंगे कि हम इसमें नॉट का यूज कैसे करेंगे इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन बनाने के लिए. फाइन, राइट. तो मैं यहाँ पे इसका रूल लिखती हूँ, रूल नंबर 4. यस, डू और डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. राइट, अब हमने क्या देखा कि हमने यहाँ पे कब लगाना है? सब्जेक्ट के बाद नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. राइट, अब जैसे आप सबको पता है कि डू और डज हम कहाँ यूज करते हैं, हम इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार. डू हम करते हैं आई वी यू एंड दे के साथ, एंड डस करते हैं हम ही शी एंड इट के साथ. राइट, मतलब थर्ड फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लोरल, सेकेंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लोरल, देन थर्ड पर्सन प्लोरल, एंड डज इज फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर. फाइन, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे, हमें ये नहीं भूलना है. आप सबको याद हो गया आई एम श्योर. तो अब हम इसके एग्जाम्पल्स में ये देखेंगे कि हमें नेगेटिव को कैसे ऐड करना है अपने सेंटेंसेस में. फाइन, अब एक चीज और है कि जब हम डू और डज लगाएंगे, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं कि क्या आप दिल्ली में नहीं रहते हैं? राइट, हमने टोन का भी ध्यान रखना है. क्या आप दिल्ली में नहीं रहते हैं, मतलब डू यू नॉट लिव इन दिल्ली. और इसका एक और तरीका है कि हम इसको डू के साथ नॉट लगा देंगे तो ये क्या बनेगा? डोंट. राइट, एंड देन सिमिलरली डस के साथ नॉट लगाया तो ये क्या बन गया? डजंट. राइट, सो एज वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन, हम क्या बोल सकते हैं? क्या आप दिल्ली में नहीं रहते हैं? डोंट यू लिव इन दिल्ली. फाइन, क्योंकि आपकी बात कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैंने क्या लगाया? ये तुम्हारी बात हो रही है तो डू, नॉट डजंट यू लिव इन दिल्ली. इट इज एन इनकरेक्ट वन. द राइट वन इज डोंट यू लिव इन दिल्ली. क्या होता है कि अगर हम बोलते हैं डू यू नॉट लिव इन दिल्ली, वो इतना अप्रोप्रिएट साउंड नहीं करता. ग्रामेटिकली इट इज करेक्ट, लेकिन जब हमें फ्लो में बोलना है तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, डोंट यू लिव इन दिल्ली, एंड दिस इज
a question mark, right? Then, क्या वे दूध नहीं पीते हैं? जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं और हमने किसी थर्ड पर्सन काफी सारे लोगों की बात करी, क्या वे दूध नहीं पीते हैं? तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये दे है तो हमें डू लगाना है. तो डू के साथ हमें नेगेटिव लगाना है. डोंट दे ड्रिंक. ड्रिंक क्या हो गया, वर्ब विच इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. डोंट दे ड्रिंक मिल्क एंड देन क्वेश्चन मार्क. मैं रिपीट करूंगी, क्वेश्चन मार्क को हमें नहीं भूलना है. डोंट दे ड्रिंक मिल्क, तो इसमें क्या लगा, डोंट. ठीक है, ये था सेकंड पर्सन सिंगुलर, ये है थर्ड पर्सन प्लूरल. तो हम इसमें क्या लिखेंगे, डोंट दे ड्रिंक मिल्क. क्या वह, जैसे मैं बोलूं कि क्या सीता क्रिकेट नहीं खेलती है, राइट? So, इसमें क्या आ जाएगा, सीता कौन है, ना मैं हूं ना आप हो, कोई थर्ड पर्सन किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं, एक वचन के बारे में, राइट? सो हम क्या बोलेंगे, डजंट सीता प्ले क्रिकेट एंड देन क्वेश्चन मार्क, राइट? अब मैं ये नहीं बोलूंगी डोंट सीता प्ले क्रिकेट, नो, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है. ये क्या है, ये शी को रिप्लेस कर रही है सीता. तो यहाँ पे हमने क्या लगाया था, डस, तो ये आ गया डजंट, क्योंकि ये नेगेटिव है. डजंट सीता प्ले क्रिकेट, राइट? हमें इस चीज का ध्यान रखना है, जैसे कि हमने इंटरोगेटिव में भी सीखा था कि डू एंड डस कब आएगा, लेकिन अब हम इसमें डस, डू और डस के साथ हमने नॉट ऐड कर दिया है. तो हम ये ना बोल के कि डू सीता, डस सीता नॉट प्ले क्रिकेट, हम बोल रहे हैं डजंट सीता प्ले क्रिकेट, राइट? ये अच्छा साउंड बेटर कर रहा है, डजंट सीता प्ले क्रिकेट, राइट? इट्स कमिंग इन अ फ्लो. देन डोंट दे ड्रिंक मिल्क, राइट? देन डोंट यू लिव इन दिल्ली, क्या तुम दिल्ली में नहीं रहते हो? फाइन. तो हमने ये सीखा कि हमें डू और डज प्लस नॉट को कैसे यूज करना है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए. किस टेंस के लिए, सिंपल प्रेजेंट. फाइन, सिंपल प्रेजेंट, जो चीज़ें हम डेली रूटीन में नहीं करते हैं उसको हम एक क्वेश्चन में पूछ रहे हैं. क्या तुम दूध नहीं पीते हो, डोंट यू ड्रिंक मिल्क, राइट? क्या तुम कार नहीं चलाते हो, डोंट यू ड्राइव अ कार. फाइन, तो ये चीज़ें हमें सीखनी है. इट इज़ वेरी सिंपल फ्रेंड्स, आपने देखा है कि इतने ईजिएस्ट वे में आपको ये रूल बताया गया है, ताकि आप इसको एक बार भी पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा, राइट? तो हमने इसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. डू और डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क वॉज फॉर सिंपल प्रेजेंट इंटरोगेटिव, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था. इस क्लास में हमारा है इंटरोगेटिव नेगेटिव. डू और डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. देखो, एक चीज है कि हम इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, डू और डस प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, राइट? दिस इज ऑल्सो एन अनदर वे. फाइन, डू और डज, ताकि आप डू और डज में से जो यूज करना है वो अकॉर्डिंगली करें, और नॉट साथ ही लगा दें. कैसे, डजंट डोंट, राइट? ऐसे आपने लगा दिया, डू और डज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. आप किसी भी तरीके से जो आपको आसान लगता है उस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ताकि हम लिखने में और बोलने में कोई गलती ना करें. जब हम बोलें, क्योंकि ये क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो हम अपने टोन भी वैसे ही करें. अब मैं आपको बोलूं, क्या तुम दिल्ली में नहीं रहते हो, तो मज़ा नहीं आ रहा. नहीं, क्या तुम दिल्ली में नहीं रहते हो, तो एक क्वेश्चन की तरह उसको पूछें, दैट वी आर एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई. ठीक है, हम उसका आंसर चाहते हैं, तभी हम उसको क्वेश्चन की तरह पूछेंगे, तभी हमें रिप्लाई मिलेगा, राइट? अब मैं पूछूं, क्या सीता क्रिकेट नहीं प्ले करती, कितना फ्लैट लग रहा है, नहीं, राइट? तो हमें क्वेश्चन की तरह पूछना है, डजंट सीता प्ले क्रिकेट, राइट?
तो हमें इस टोन का भी ध्यान रखना है, हम इंग्लिश के साथ साथ प्रोनंसिएशन, वोकैबुलरी, इंटोनेशन और ये सब चीज़ें सीखेंगे, साथ साथ हम टेंसेस, ग्रामेटिकल एरर्स ना करें उसके लिए हम ग्रामर भी सीखते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। अब हमारा सिंपल प्रेजेंट का रूल 1, 2, 3, 4 चारों कंप्लीट हो गए हैं और आई वॉन्ट कि ये चारों आपको अच्छे से आते हों, राइट क्योंकि हम नेक्स्ट जो हम करेंगे वो हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। फाइन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में अगेन हम पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव करेंगे रूल 4, 1 to 4 और हमें इससे पहले ये आपको याद होने चाहिए, राइट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है और आप इसको अब नहीं भूलेंगे। फाइन, इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ मिनटों में आप सारे टेंसेस याद कर सकते हैं, आपको कोई और कुछ भी देखना नहीं पड़ेगा। एक बार आप इसको ध्यान से कर लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। फाइन, और अगेन आई विल रिपीट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, वीडियोस को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ, हर कोई इसको सीख सकता है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर योर टाइम एंड टेक केयर।